हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं फर्स्ट इज रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर आज हमें थर्ड पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज इलिवेशन इन बॉइलिंग प्वाइंट इलिवेशन इन बॉइलिंग प्वाइंट थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसके बाद फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग प्वाइंट और अगला टॉपिक होगा वन फैक्टर ये सॉल्यूशन चैप्टर फिर समाप्त हो जाएगा तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलिवेशन इन बॉयलिंग प्वाइंट आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब इसके पहले आपका वीडियो और पहले वीडियो जो अपलोड कर दिया गया उसको आप देख चुके होंगे तो हम बच्चों कंटिन्यू करते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इलिबेशनिंग बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग प्वाइंट होता क्या है बॉलिंग पॉंट, बॉलिंग पॉंट होता क्या है? इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को बॉइलिंग प्वाइंट बोलते हैं तो लिखिएगा बच्चों डिफिनेशन टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर ऐट हुइच बेपर प्रेसर ऑफ लिक्विड बेपर प्रेसर ऑफ लिक्विड बीकम बीकम इक्वल बीकॉम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर बीकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड एज बॉइलिंग प्वाइंट बीपी मतलब बॉइलिंग प्वाइंट ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का बेसर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसे बॉइलिंग प्वाइंट बोलते हैं अब बच्चों बॉइलिंग प्वाइंट इनवर्सली परसनल बेपर प्रेशर मैं ये आपको स्टार्टिंग में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ा रहा था तो बताया था जिस लिक्विड का बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका मतलब वो लिक्विड जल्दी वोलेटाइल नहीं होगा वेपराइज नहीं होगा तो अमाउंट आ वेपर कम बनेगा तो जब वेपर कम बनेगा तो वेपर के द्वारा उस लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर लगेगा वो कम हो जाएगा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना कम होगा तो ये दोनों में रिलेशन होता है ये आपको मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी मान लेते हैं बच्चों कोई कंटेनर है कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं सॉल्वेंट ले लेता हूं इस कंटेनर में मैं सॉल्वेंट ले लेता हूं और नॉन बोलेटाइल नॉन बोलेटाइल मीन्स होता है ऐसा ऐसा सब्सटेंस जो वोलेटाइल ना हो वेपराइज ना हो नॉन बोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिक्स करते हैं तो जब इसमें हम मिक्स करेंगे तो इस टाइप का ऐसे अदर कंटेनर आप बना लिए अब यहां जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लेते हैं नॉट है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट अब जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया तो सोल्यूशन बना ये सोल्यूशन बना और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लेते हैं पीएस है तो ये बताइएगा आप जब ये सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट बोलेटाइल नेचर का था सॉल्वेंट बोलेटाइल नेचर का था तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो बोले टाइल नेचर का होगा तो बेपर बनेगा तो बेपर प्रेशर ज्यादा लगाएगा लेकिन जब नॉन बोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिला देंगे तो नॉन बोलेटाइल सॉल्यूट इसके सरफेस पर इकट्ठा होगा सरफेस पर इकट्ठा होगा तो इस सॉल्वेंट को जल्दी वेपराइज नहीं होने देगा वेपराइज नहीं होगा तो बेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब बच्चों ये हुआ बेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है किससे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा तो यही हम लोग रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़े थे कि, कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जब सॉल्यूट मिला देंगे उसमें नान वोलेटाइल तो सॉल्यूट के वजह से बच्चों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिलाएंगे तो इसके सरफेस पर आ जाएगा तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के वजह से जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है वो वेपराइज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब ये हुआ पी जीरो इज ग्रेटर देन पी एस, इसका मतलब यही तो हुआ तो जब बेपर प्रेशर बॉलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रपोर्शनल है इसका मतलब बच्चों मैं ये भी तो बोल सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जस्ट रिवर्स मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिक्स कर दिया वो जल्दी वेपराइज ही नहीं होगा तो आपको और टेम्परेचर देना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके सरफेस पर ऐसे जमा हुआ है तो ये वेपराइज ही नहीं होगा वेपर कम बनाएगा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इसका मतलब बच्चों अगर हम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ले लें टी एस तो टी एस इज ग्रेटर देन मैं सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ले लेता हूं टी नॉट तो टी नॉट छोटा है किसे टीएस टी एस क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी नॉट क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो ये रिलेशन आपको समझ में आया अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि टी एस ज्यादा है टी जीरो से तो अगर मैं डिफरेंस निकालू मान लेते हैं इसका बॉलिंग पॉइंट कुछ रहा होगा जब इसमें नॉन बोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया गया तो बॉलिंग पॉइंट बढ़ गया तो कितना बढ़ा तो डेल्टा टी भी हमें निकालना है कितना बॉलिंग पॉइंट बढ़ा तो मैं निकालूंगा कैसे टी एस माइनस टी नाट अगर इसी का मैं डिफरेंस ले लू तो हमें जो है कितना बॉलिंग पॉइंट बढ़ा ये आ जाएगा डिफरेंस और इसी को बच्चों बोलते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग प्वाइंट जो डेल्टा टीबी है बच्चों इसी को बोलेंगे इलिवेशन इन बॉइलिंग प्वाइंट डेल्टा टीबी बच्चों है इलिवेशन इलिवेशन इन बॉइलिंग प्वाइंट बॉइलिंग प्वाइंट है और ये आसानी से आप समझ गए होंगे इलिवेशन इन बॉइलिंग प्वाइंट इसको और हम लोग समझते हैं बच्चों इस इक्वेशन को अब हम ग्राफ के थ्रू अगर समझना चाहें तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा बच्चों ग्राफ बहुत ही आसान है जैसे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर अगर हम लोग ग्राफ बनाए इधर जा रहे हैं तो ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है इस साइड में जा रहे हैं तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इस टाइप का ग्राफ है इस टाइप का ये सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहा सॉल्वेंट अब यहां ऐसे सॉल्यूशन सॉल्वेंट जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया गया तो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया अब बच्चों ये ध्यान देना है ये जो पॉइंट है ये टेम्परेचर इधर अगर जा रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर जा रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मान लेते हैं इस पॉइंट पर अगर हम बात करें अगर हम इस पॉइंट की बात करें ऐसे एक पॉइंट ले लेते हैं तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो वन एटीएम वेपर प्रेशर अगर है और इस पॉइंट को अगर हम ऐसे मिला दें टेम्परेचर वाले लाइन पर और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो यहां आएगा तो ये सॉल्यूशन का बॉलिंग पॉइंट है ना ये जो टेम्परेचर ये पॉइंट जो है ये सॉल्यूशन वाला कटिंग है तो यहां जो है क्या है डेल्टा सॉरी यहां क्या है बच्चों टीएस है बॉलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और ये जो पॉइंट है बच्चों जो ये पॉइंट मिक्स कर रहा डायरेक्ट आ रहा यहां तो ये जो पॉइंट आएगा ये टी नाट है क्यों टी नॉट है क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ सोल्वेंट सॉल्वेंट है ना सॉल्वेंट का बॉलिंग पॉइंट टी नॉट स्टार्टिंग में लिया गया है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा बच्चों जो अंतर आएगा इसी को डेल्टा टी भी बोलेंगे तो इसका मतलब डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा टी एस माइनस टी नॉट आप ऐसे समझ सकते हैं ग्राफ कभी एग्जाम में आता नहीं तो आपको समझ लेना चाहिए जैसे ये बच्चों बॉलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का बॉलिंग पॉइंट ये किसका है सॉल्यूशन का बॉलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंस ले लिया गया अच्छा इस पर अगर बात करें यहां सॉल्यूशन ये पूरा टेम्परेचर अगर देखा जाए एक यहां कट कर रहा है सीधे सीधे आ रहा है तो अब अगर देखें तो ये लाइनिंग ये सॉल्यूशन का जो कर्व है ये इसके सॉल्वेंट से नीचे है इसका मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऊपर है ऊपर है मतलब ज्यादा है लेकिन जब सॉल्यूट मिला दिया गया तो सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट अब ये अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वाला कर्व इधर है यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इधर बढ़ता जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो अगर डिफरेंस लेंगे तो टी एस माइनस टी नॉट आप आसानी से कर सकते हैं अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं अगेन आपको ये फार्मूला ध्यान देना है बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन ग्राफ पर नहीं आएगा लेकिन फार्मूले पर नुमेरिकल आता है ये ध्यान देना चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं डेल्टा टीबी क्या है इलिबेशन इन बॉलिंग प्वाइंट यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन के मोलेलिटी के डायरेक्टली परपोर्सनल होता है डेल्टा टीबी यानी इलिबेशन इन बॉलिंग प्वाइंट तो अगर हम ऐसे लिखे डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रपोर्शनल बच्चों मोलेलिटी प्रपोर्शनल अगर हटा दे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू प्रपोर्शनल हटाए हटेगा तो केबी आ जाता है के बी डॉट मोलेलिटी स्मॉल एम है अच्छा अब ये देखो इक्वेशन हमें मिल गया ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों इस पर भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा यहां देखिए के बी डेल्टा टीवी आपको पता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट Kb क्या है बच्चों के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मोलल इलिवेशन इलिवेशन कांस्टेंट है बच्चों मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है या इसी को बच्चों बोलते हैं इबोलियो दो ना मोल एलिवेशनियोपिक बात एक ही है के बी अब यहां जो डेल्टा टीबी है यह डिपेंड करता है बच्चों डेल्टा टीबी ये मोलेलिटी के डायरेक्टली परपोर्सनल है और मोलेलिटी जो है बच्चों ये नंबर ऑफ मोल होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई बेट ऑफ सॉल्वेंट तो मोल जितना ज्यादा होगा सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा होगा डेल्टा टीबी यानी इलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा बात समझ में आया बच्चों जो केबी का वैल्यू है बच्चों केबी का वैल्यू डिपेंड डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है डज नॉट डिपेंड ऑन मोलिटी डज नॉट डिपेंड डिपेंड ऑन मोलेलिटी मोलेलिटी पर यह डिपेंड नहीं करता यह आपको पता होना चाहिए बच्चों आपको जैसे एक फार्मूला मैंने बताया ऊपर ही डेल्टा टीबी डायरेक्टली परपोर्सनल मोलेलिटी तो आपसे पूछा जाएगा डेल्टा टीबी बताइए क्यों एलिवेशनिंग बॉलिंग पॉइंट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा यानी मोलालिटी तो मोलैलिटी के जगह पर हम रख, रख सकते हैं ना ऐसे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम के जगह पर हम रखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन टू थाउजेंड कर देंगे ये फार्मूला भी तो हम फॉलो कर सकते हैं मोलैलिटी वाला फार्मूला डायरेक्ट हमने रख दिया अगर बात किया जाए बच्चों अगर हम इस इक्वेशन में डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी डॉट मोलिटी में इफ मोलेलिटी इक्वल टू वन कर दें तो अगर मोलालिटी बच्चों वन करेंगे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा के बी मतलब एलिवेशन इन बॉलिंग प्वाइंट के बी के बराबर तभी होगा जब मोलिटी क्या आ जाए वन आ जाए तो ये आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कभी कभी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाएगा तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करिए ऐसा कांस्टेंट जो ज, 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 जो मोलिटी वन हो तो इलिबेशन मोलल एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट के बराबर हो जाए आप ऐसे लिख सकते हैं अब यहां देखिए फॉर वाटर अगर हम वाटर की बात करें फॉर वाटर केबी का वैल्यू होता है बच्चों जीरो पॉइंट फाइव टू कैलबिन किलोग्राम पर मोल ये आपको रटना नहीं है कभी कभी नुमेरकल में दे देता है और कभी कभी नहीं देता है तो थोड़ा सा ध्यान देना नुमेरकल लगाते लगाते आपको याद हो जाएगा फार बेंजीन बेंजीन के लिए भी बी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया गया है कितना टू पॉइंट सिक्स थ्री कैलबिन किलोग्राम पर मोल ये बेंजीन का वैल्यू है केवी का और ये वाटर के लिए केबी का वैल्यू है तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए तो ये रहा पूरा थ्योरेटिकल एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट का इतना थ्योरी है थ्योरी कभी कभी आता है ज्यादातर चांस है यहां से न्यूमेरिकल आने का तो न्यूमेरिकल हम लोग बच्चों ट्राई करते हैं अगला न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं ट्राई करिएगा बच्चों सिंपल सा थाउजेंड ग्राम वाटर थाउजेंड ग्राम वाटर प्लस सिक्सटी ग्राम यूरिया थाउजेंड ग्राम वाटर है जिसमें साठ ग्राम यूरिया मिला दिया गया तो कोई सोल्यूशन बना अरे भाई जब सोल सॉलबेंट होगा सोल्यूट मिलाएंगे तो सोल्यूशन बनेगा इस सोल्यूशन का बॉलिंग प्वाइंट क्या होगा ये क्वेश्चन है इस सोल्यूशन का बॉलिंग प्वाइंट क्या होगा एक हजार ग्राम एच टू ओ में साठ ग्राम यूरिया मिलाया गया सोल्यूशन बना सोल्यूशन का बॉइलिंग प्वाइंट क्या होगा अब आपको पता है वाटर वाटर सॉल्वेंट है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तो 60 ग्राम जब यूरिया मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज होगा क्योंकि यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो चेक कर लेते हैं बच्चों तो बच्चों जैसे अगर कोई कंटेनर है इसमें थाउजेंड ग्राम वाटर है एच है और इसमें जब आप सिक्सटी ग्राम यूरिया मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉलिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है तो ये सॉल्वेंट है बोलेटाइल और ये नॉन बोलेटाइल सॉल्यूट है जब मिलाओगे तो बॉलिंग पॉइंट पर तो कुछ प्रभाव पड़ेगा वही निकालना हमें तो चलो मैं चेक कर लेता हूं आंसर क्या आएगा बताइएगा नंबर ऑफ मोल निकाल लो नंबर ऑफ मोल आप सॉल्यूट मतलब यूरिया एन तो क्या होगा साठ ग्राम यूरिया दिया ही है तो बेट डिवाइड बाय मालिकुलर बेट यूरिया का मालिकुलर फार्मूला होता है इसका मालिकुलर बेट 60 होगा तो मोल निकालेंगे बच्चों तो वन आ जाएगा मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यानी यूरिया सिक्सटी अब जब हम इसका मोलैलिटी निकालेंगे मोलैलिटी तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई बेट ऑफ सोलबेंट इन ग्राम इन टू थाउजेंड तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना है सॉल्वेंट कितना है थाउजेंड ग्राम वाटर है थाउजेंड इन टू थाउजेंड करेंगे तो कट कर जाएगा इक्वल टू वन तो मोलिटी आ गया बच्चों कितना वन तो मोलिटी अगर वन है तो आपको पता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डॉट मोलिटी इसका मतलब डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा के बी हो जाएगा ना तो अब केबी का वैल्यू भी तो हमें पता है वाटर के लिए वाटर के लिए के बी का वैल्यू होता है, है। जीरो फाइव टू अभी ऊपर लिखे हैं इसका मतलब डेल्टा टीबी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू दे दिया है तो आपको पता है डेल्टा टीबी इक्वल टू टी एस माइनस टी, टी नॉट तो डेल्टा टीबी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू इक्वल टू हमसे टीएस पूछा जा रहा है टी एस हमसे पूछा जा रहा है और टी नाट क्या है टी नाट मतलब कितना हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है तो अगर टीएस आप निकालोगे बच्चा लोग तो ये हंड्रेड इधर जाएगा तो हो जाएगा हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट फाइव टू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हंड्रेड पॉइंट फाइव टू डिग्री सेल्सियस ये आ गया हमारा एस मतलब बॉलिंग पॉइंट ऑप सॉल्यूशन ये हमारा आंसर आ गया बच्चों समझ में आया कोई दिक्कत चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला जो हेडिंग है अगला हेडिंग है मालिक्यूलर मालिक्यूलर इलिवेशन इलिवेशन कांस्टेंट पीछे था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट अम मालिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट है ये ध्यान देना कांस्टेंट शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं और इसको रिप्रेजेंट करेंगे के से अगर केबी है तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के है तो मालिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट डायरेक्ट फार्मूला बच्चों आपको याद रखना है के इक्वल टू होता है टेन डॉट के बी मतलब मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू होगा टेन डॉट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और बी का एक फार्मूला और आपको याद रखना है कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ता है कभी कभी कंपटीशन में आता है बोर्ड में कभी आज तक नहीं आया तो आपको ये याद रखना फॉर कंपटीशन आर टी नॉट स्क्वायर बाई थाउजेंट एल बी ये होता है केबी का फार्मूला के बी बोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट आर टी नॉट मतलब बॉलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर डिवाइड बाई थाउजेंड LB, LB क्या है यहां सारे गिवन डेटा आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट है गैस कॉन्स्टेंट और टी नॉट क्या है बॉलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है आपको पता है और LB क्या है LB है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ठीक है कैलोरी परग्राम ये होता है बच्चों यूनिट इसका कैलोरी परग्राम ये गिवन रहता है क्वेश्चन में अब अगर वाटर की बात करें फॉर वाटर वाटर के लिए टी नाट का वैल्यू आपको मान लेना हमेशा थ्री सेवेंटी थ्री या 100 डिग्री सेल्सियस बात एक ही है एल बी का वैल्यू दिया वाटर का आपको याद रखना है 540 कैलोरी पर ग्राम वाटर का एल का वैल्यू दिया रहता है और बच्चों के बी का वैल्यू भी वाटर के लिए आपको याद रखना है 0.52 पॉइंट फाइव टू कैलबिन किलोग्राम पर मोल तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए कभी कभी कंपटीशन में बच्चों यहां से न्यूमेरिकल आ जाता है डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं है ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है न्यूमेरिकल यहां से तो बच्चों अगला न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं आप लोग ट्राई करिए न्यूमेरिकल है बच्चों कैलकुलेट कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेन परसेंट डब्लू बाई डब्लू यूरिया सॉल्यूशन टेन परसेंट डब्लू बाई डब्लू यूरिया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों तो इसका मीनिंग तो हमें पहले से ही पता है कंसंट्रेशन टर्म में बहुत डिटेल्स में बताया हूं इतना डिटेल में बच्चों में बताया हूं कि यूट्यूब पर आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आप सर्च करके देख सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन पार्ट टू में बहुत डिटेल्स में पढ़ाया हूं तो मैं आपको बता देता हूं इसका मीनिंग क्या होता है टेन परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब बेट ऑफ सोल्यूट दे दिया है टेन ग्राम बेट ऑफ सोल्यूट कितना टेन ग्राम और बेट ऑफ सोल्यूशन यानी कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू हंड्रेड ग्राम बेट ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है तो हंड्रेड माइनस टेन यानी नाइन्टी ग्राम इसका मतलब यही तो हुआ तो बच्चों ये बताइए डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी डॉट मोल पढ़े हो ना चलो रख दो डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी डॉट मोल मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई बेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन टू थाउजेंड यही तो रखेंगे तो अब इसको हम बेट डिवाइड बाई मालिकुलर बेट वाला फार्मूला ये भी तो लगा सकते हैं चलो इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूं के बी का वैल्यू आपको पता है जीरो पॉइंट फाइव टू और मोल के जगह पर यानी के जगह पर बेट डिवाइड बाई मालिकुलर बेट तो बेट कितना है सोल्यूट का टेन मालिकुलर बेट सोल्यूट का यूरिया का मालिकुलर बेट अभी हम लोग 60 तो टेन बाई सिक्सटी और बेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है सॉल्वेंट का बेट कितना है नाइन्टी बेट ऑफ सॉल्वेंट यानी 90 इन टू कर दो कितना थाउजेंड अब बच्चा लोग जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा फिफ्टी टू डबल जीरो डिवाइड कर दो फिफ्टी फोर नौ छ चौवन फिफ्टी फोर डबल जीरो अरे डायरेक्ट जीरो दो बढ़ गया ना इसको सॉल्व करोगे तो जीरो पॉइंट नाइन सिक्स आ गया डेल्टा टीबी जीरो पॉइंट नाइन सिक्स क्या आ गया डेल्टा टीबी हमसे कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट आप सॉल्यूशन बताओ यानी टी एस बताना है तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट तो कैसे निकालोगे तो टी एस निकाल लो इधर लाओ तो डेल्टा टीबी प्लस टी जीरो तो डेल्टा टी भी कितना जीरो पॉइंट नाइन सिक्स टी जीरो बॉलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हंड्रेड सॉल्व करोगे हंड्रेड पॉइंट नाइन सिक्स डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर का बॉलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस था लेकिन जब उसमें टेन ग्राम यूरिया मिला दिया गया तो पॉइंट नाइन सिक्स डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया तो इसी को बोलते हैं लिबेसन इन बॉइलिंग पॉइंट नोट लिखिएगा बच्चों नोट नोट ये है बच्चा लोग डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी कैन बी कैन बी एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डिटरमाइंड बाई फर्स्ट मेथड है लाइंस बर्गर मेथड बर्गर बर्गर वही खाने वाला बर्गर नहीं है लयंट्स बर्गर मेथड एंड सेकेंड इज कोट्रिलिस डबल टी आर ई डबल एल आई कोट्रिलिस मेथड तो ये आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में कभी कभी आ जाता है नेक्स्ट मैं बच्चों न्यूमेरिकल दे रहा हूं एनसीआईटी का देखते हैं आप लोग ट्राई करिए सॉल्व कर पाते हो कि नहीं बच्चों अगला न्यूमेरिकल एनसीआईटी का है बहुत इंपॉर्टेंट है देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सेवन फिफ्टी एम एम एच जी सेवन फिफ्टी एम एम एच जी पर बॉइलिंग पॉइंट इसका है नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स थ्री डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है टी जीरो दिया है हाउ मच सुक्रोस इज टू बी एडेड कितना सुक्रोस उसमें एड किया जाए सॉल्वेंट में टू फाइव हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर फाइव हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर में कितना सुक्रोस एड करें सच दैट इट बॉयल एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कि हमारा सोल्यूशन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर जाए मतलब टीएस का वैल्यू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इसका मतलब बेट ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है तो बच्चों बेट ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू ए हमें निकालना है क्वेश्चन से पता चल गया सुक्रोस सुक्रोस मतलब सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन यही होता सुक्रोस का मालिकुलर बेट सुक्रोस का मालिकुलर बेट निकालोगे बच्चों तो आपको भी याद होना चाहिए हमें तो याद है थ्री फोर्टी टू सॉल्व कर लेना ग्राम पर मोल तीन सौ बयालीस 342 ग्राम पर मोल सुक्रोज का मोलिकुलर वेट होता है आप निकाल लीजिएगा अब आप सॉल्वेंट भी दिया है कितना? 500 ग्राम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अच्छा टी जीरो भी दे दिया है कितना 99.63 डिग्री सेल्सियस ये भी दे दिया है अच्छा डेल्टा भी इक्वल टू होता क्या है टी एस माइनस टी यही तो ता बच्चा लोग टीएस कितना है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस माइनस कर दो कितना नाइनटी नाइन पॉइंट सिक्स थ्री तो डेल्टा टीबी दिया है कि नहीं डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी अभी नहीं दिया निकल जाएगा यहां से डेल्टा टीबी तो सॉल्व करोगे तो यहां से जीरो थ्री सेवन डिग्री सेल्सियस या जीरो पॉइंट थ्री सेवन कैलबिन दोनों कैलबिन में रखोगे वैल्यू सेम आएगा दोनों डिग्री सेल्सियस में रखोगे वैल्यू सेम आएगा कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए वैसे तो हर जगह कैलबिन में रखते हैं लेकिन यहां डिग्री सेल्सियस में रखोगे आंसर सेम ही आएगा ये ध्यान देना तो डेल्टा टी टीबी कितना है जीरो पॉइंट थ्री सेवन या जीरो पॉइंट थ्री सेवन कैलबिन तो डेल्टा टीबी इक्वल टू बच्चा लोग क्या पढ़े हो केबी डॉट मोल एलिटी तो केबी मोलैलिटी के जगह पर हम रखेंगे बेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मालिकुलर बेट ऑफ सोल्यूट बेट ऑफ सोलबेंट इन ग्राम इन टू कर देंगे थाउजेंड यही तो फार्मूला हम लगाएंगे अब जितना दिया सब रख दो डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी हमें पता है जीरो पॉइंट थ्री सेवन अभी आया सॉल्व करने पर ये के बी भी हमें पता है जीरो पॉइंट फाइव टू डब्ल्यू ए हमें निकालना है तो पता नहीं है मालिकुलर बेट कितना 342 फोर्टी टू बेट आप सॉल्वेंट भी दिया है 500 हंड्रेड इन इसको सॉल्व करो दो जाएगा उधर अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये डिवाइड कर दो दो से इधर आ जाएगा तो डब्लू ए यहां सॉल्व करोगे तो डब्लू ए आ जाएगा बच्चों 122 ग्राम ये आंसर आप लोग ट्राई कर लीजिएगा कैलकुलेटर से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था आसान भी था इसी के साथ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों समाप्त होता है आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और ऐसे ही मैं कंटिन्यूएशन में पूरा सॉल्यूशन चैप्टर अभी दो वीडियो बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन का मैं न्यूमेरिकल का वीडियो भी अपलोड करूंगा और सॉल्यूशन चार पांच वीडियो लगभग लगेगा विथ न्यूमेरिकल ऐसे तो थ्योरी केवल दो वीडियो में समाप्त हो जाएगा न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो तीन चार वीडियो और मैं न्यूमेरिकल पर बनाऊंगा इसके बाद बच्चों मैं स्टार्ट करूंगा सॉलिड स्टेट चैप्टर सॉलिड स्टेट भी बहुत इंटरेस्टिंग उसमें और वीडियो लग सकता है बड़ा इंटरेस्टिंग पूरा थ्री डी में मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या है तो बच्चों हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं ओके थैंक यू